ऐसे की बात है, वो ये है कि सबसे पहले तो वास्तु को समझना परम आवश्यक है। हमने वास्तु का मतलब क्या होता है, वास्तु का मतलब होता है कि जो विधि के अनुसार, मान लो एक उदाहरण से मैं आपको समझा दूं, बात तो बड़ी है लेकिन बात को बड़ी को छोटी करके समझाना ही बिंदुत्व है। आप यूं समझ लीजिए कि अगर हमारा ये बायां हाथ है, इसकी क्षमता है 10 केजी उठाने का, तो इससे आप 15 केजी लिफ्ट करेंगे तो हाथ को वेट करना पड़ेगा तेज, हो सकता है उसमें कोई दिक्कत क्या है, ना उठाया जाए या उठ भी लिया मान लो, तो उसमें हो सकता है अतिरिक्त बोझ पड़ जाए। तो इसलिए वो अतिरिक्त बोझ ना पड़े, इसलिए एक दाहिना हाथ भी दिया है कि जो भारी काम करना है या फिर जो आपको जो है सहजता से काम करना है, उसके लिए आप दाहिने हाथ का प्रयोग करें। ऐसे ही आपका जो घर है, उसमें भी अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग जगह पर अलग अलग देवताओं का, उनके स्वामियों का, उनके सेवकों का एक अलग अलग वास और निवास है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जहां हमें बनाना था किचन, वहां बना दिया मैंने टॉयलेट, अब कितना बड़ा दोष हो जाएगा, बड़ा दोष हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, अगर मान लो मिस्टेक हो गया, अब क्या करें, मकान तोड़ दें? अब कई वास्तु एक्सपर्ट आपको सोचते हैं कि नहीं, तोड़वा के वास्तु का दोष है। और मैं आपको बहुत एक अच्छी बात बता दूं, एक रहस्यात्मक विषय आपको मैं प्रस्तुत करूं कि तोड़ने से तो वास्तु का दोष और ज्यादा लगता है। हाँ ये भी है, क्योंकि वास्तु तो जब आप बना रहे हैं तब उसको ठीक तरीके से बनाए, और अगर आपने तोड़ दिया, तोड़ा फोड़ी कर रहे, तो पहली बात तो ये कि आपको उसमें वित्त का नाश हो रहा है, आपको वित्त का उसका आपका जो है गड़बड़ हो रहा है ना। मान लो आपने 1 लाख रुपए तो बनाने में लगा दिया, अब 20,000 आपने तोड़ने में लगा दिया, फिर 120 आपने उसको बनाने में लगाया, तो वो तो कई लाखों का हो सकता है। तब तक दूसरा वास्तु एक्सपर्ट करेगा कि नहीं ये भी गलत है, तो आपका तो बनाने और तोड़ने में सारी जिंदगी निकल जाएगी। इसलिए उसके लिए शास्त्र विधि बताया हुआ है, शास्त्र कहता है कि उसका उपाय इस तरीके से किया जा सकता है। और ये विधि मैंने बनाया ऐसा नहीं है, उन्होंने बना दिया ऐसा नहीं है, उन्होंने बनाया ऐसा नहीं है, ये विधि शास्त्रोक्त विधि है, ये वेदोक्त विधि है। और ये वेद निष्पादित करेगा, वो मतपथ प्रदर्शक बनेगा, वो बताएगा कि हमें क्या करना है। भवन बना दिया, पूरा मकान बन गया, उस मकान में जमीन का मुहूर्त था, उस दिन हमारा जो है गड़बड़ हो गया, मुहूर्त सही नहीं निकला, हो सकता है हमने जल्दीबाजी में या अपना कुछ पैसा बचाने के लिए या फिर हम समय के अभाव में या धन के अभाव में या व्यवस्थाओं के अभाव में आकर के हमने कुछ जल्दीबाजी में किसी भी ब्राह्मण को पकड़ लिया, पूजन करवा दिया, और जो विधि हमें फॉलो करना चाहिए था वो नहीं किया, तो वो भी दोष है। पहले तो मकान बनने में हजारों रुकावट आते हैं, हमने देखा, आप खुद आपका देखो ना, 2 साल से मूर्ति निकल रहा है, 2 साल से एक मूर्ति निकला, काम भी हो पाया, फिर दूसरा निकला, फिर तो 2 साल तो आपको हो गए। हमने ऐसे भी देखा कि कई के लोग कई कई साल निकल जाते हैं, मूर्ति नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि बनने में रुकावटें आती हैं, और कहीं फाइनेंस प्रॉब्लम आ रहा है आपको, कहीं आपके नक्शे को लेकर के दिक्कत हो रहा है, कहीं जो है जो नक्शे वाले हैं या कहीं जमीन वाले हैं, कहीं अनेक प्रकार की उसमें दिक्कतें होती हैं, तो सब दोष के कारण है। फिर आपका मैंने कहा चौखट लगने का मुहूर्त है, उसकी विधि है आपने वो भी जो है फॉलो नहीं किया, मुख्य गेट लगने का, मुख्य दरवाजे का वो भी नहीं किया, चौखट लगने का था ये भी नहीं हुआ, फिर लेंटर डालने का था मुहूर्त समय था आपने वो भी नहीं किया। ये मान लो आपका तो घर है, कहीं फ्लैट होता है तो बिल्डर ने बनाया, उसमें तो पता नहीं कितने मिस्टेक होते हैं। तो उन सभी दोषों से निवृत्त होने के लिए ये विधि है, और खासकर जो इनका फ्लैट है उनके लिए तो ये बहुत ही कंपल्सरी है। भाई देखो घर है ना, आपको तो मिली, आपको ये हल्का लग रहा है, लेकिन आप विचार करो ना कितने इसके लिए लोन की व्यवस्था बनाई, कई बार उसमें भी गड़बड़ होता है, पूरी घटना सुना देते ये है वो है, कितनी सारी ये आपके साथ घटी है, और हमें तो ऐसे हजारों लोग मिलते हैं जिनके पास बहुत अलग प्रकार की घटनाएं घटती हैं, तो ये सहज नहीं है। और घर मान लो बना भी दिया, तो हमने ऐसे भी लोग देखे तो उस घर का 6 महीना भी सुख भोग नहीं कर पाते, ये आपने भी देखा होगा, ये सिर्फ हमने देखा ऐसा नहीं है, हमने देखा कि लोग मकान बनाने के 6 महीने के बाद ही चले जाते हैं, सुख नहीं मिल पाता, या रह भी रहे तो हेल्थ इशूज आ गए, फाइनेंस इशूज, घर में खटपट, बहू आ गई, सारा कुछ, मतलब अनेक प्रकार की एक दो उदाहरण है, हजारों ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं कि जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी।
तो फिर हमने ये अवेयरनेस के कारण, या फिर हम कुछ पैसा बचाने के लिए हमने करोड़ों का मकान बना दिया, फिर हमें लगता है 2-4-5 हज़ार रुपये 15 हज़ार 20 हज़ार के लिए हम जो है इसमें कमी कर देते हैं। अच्छा, लोगों को दिखाने की बात आती है कई बार, तो वो जो किन्नर लोग आते हैं वही 20-25 हज़ार 30 हज़ार खरीदते हैं, लोग डर के मारे उनको दे भी देते हैं। कोई कहता है हाँ जी ये ऐसे कर देंगे, अरे वो क्या कर देंगे बताओ, वो क्या कर देंगे? आपकी अगर कर्म शुद्ध है, आपने अच्छा काम किया है, आपने मेहनत से घर बनाया, तो मुझे नहीं लगता कि वो आकर के 1 रुपए का भी कुछ गड़बड़ कर देंगे, कर ही नहीं सकते। अगर वो व्यक्ति उनसे डरेगा जो अपराध जिसने किया हुआ है, जिसने पाप किया हुआ है, वो पाप से डरेगा, आप समझ रहे हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा खर्चा बचाने के लिए भाई नियम थे कि 11 ब्राह्मणों से जो है घर का उद्घाटन, आप देखो ना योगी जी ने अपने आवास का उद्घाटन किया, तो उनका सरकारी आवास है, 5 साल के लिए सत्ता मिलती है, जीवन में मिलता है, लेकिन वहां देखो गाय, आप वहां पे गाय रखी गई ब्राह्मण, और ये नियम है गृहवास से पहले वहां पर ब्राह्मणों को रखा जाए, वहां गाय को बांधा जाए, भूमि पूजन से पहले भी नियम था। और इसीलिए देखो बहन जी ने तो बहुत हम पर प्रेशर किया कि गुरु जी आप गाय जरूर लाना, चांदी की गाय, मैंने कहा तो सोने चांदी का काम है वहां से ले लेना, ये मंचल में कोई कमी थोड़ा ना है, लेकिन उसके लिए भी चांदी की गाय होने का। तो ये विधियां हैं, आप समझ रहे हैं। तो इसके लिए जैसे कि मैं इसकी आधार की आधारशिला की बात कर रहा हूं, तो आप इसको खड़े भी समझ लीजिए, इसका नाम संकुरोपण है, जो वेद विधि में लिखा गया है वो संकुरोपण लिखा गया, क्योंकि मैं तो आपको हर एक चीज एक स्टेप बाय स्टेप आपको रीड करा रहा हूं एज ए स्टूडेंट, है ना, क्योंकि थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों जरूरी है ना, आपको मैं पूजा तो कर ही रहा हूं लेकिन साथ में इस तरह से समझा रहा हूं कि आप उसको समझे, क्योंकि ज्ञान ही आपके काम ही नहीं, आपके अपनों का भी काम है, अब इस बात को सदैव कहता हूं सब। तो ये खड़े पिलर आप इसको समझ लीजिए, आधारशिला है ना। उसके बाद अभी इसका जो है त्रिसूत्री हम इसका ये करेंगे, ये देखिए, अब उसके बाद आपने देखा होगा कि हम इसको 3 बार लगाएंगे, पूजन होगा आप देखेंगे, उसको समझाऊंगा आपको। तो आपने देखा होगा कि जब भी मकान बनता है, जो सिविल से इंजीनियर है उनको पता है कि जो सरिया लगता है मकान में वो 3 प्रकार से लगता है, उसमें मान लो फॉर एग्जाम्पल एक 9 सूत का सरिया, 9 mm का सरिया, उसके बाद एक 12 mm का, एक 15 mm रखता है, और उसमें आपने देखा होगा सरिया भी 3 तरह से रखा जाता है, हालांकि मैं सिविल का स्टूडेंट नहीं हूं लेकिन फिर भी मैं आपको उस विधा से भी प्रवेश होने के कारण मैं उसको समझा पा रहा हूं। उसमें आपने देखा होगा जो सरिया यहां लगेगा वही सरिया एक तरह का यहां लगता है, मान लो ये 10 mm का सरिया है तो 10 mm का सरिया एक इधर भी लगेगा, और इसके बीच में 8 mm लगेगा, बहुत ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है ना, और उसकी अब वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये बात हो सकता है लोग भी सुनेंगे, तो दूसरा सेम सरिया यहां लगेगा और सेम सरिया यहां लगेगा, चारों के, उसके बाद जो 6 mm या 8 mm का सरिया यहां डाला है वही 8 mm सरिया यहां डालेगा, ठीक हो गया, 2 प्रकार का सरिया हो गया। अब इसके बीच में एक 3 mm का या 6 mm का एक वो डलता है रिंग, तो कितने प्रकार के सरिया हो गए, 3 प्रकार के हो गए ना, 2 साइड के हो गए, बीच का हो गया, रिंग हो गए, तो वही 3 प्रकार के आप उसको समझ सकते हैं, यहाँ पे 3 प्रकार के सूत्र मानेंगे। अच्छा, तो बताओ कितना सूक्ष्म विज्ञान है, क्या कभी किसी ने कल्पना की, तो क्या इसको कोई दुनिया में नकार सकता है, इसीलिए हम पूरे चैलेंज के साथ कहते हैं, पूरे दावे के साथ कहते हैं, 6 सालों का रिसर्च है, एक दिन की पढ़ाई तो नहीं, और ये हमारा लिखा हुआ तो नहीं है, ये मेरे पूरे खानदान में किसी ने लिखा ऐसा भी नहीं है, ये तो हमारे पूर्वजों की धरोहर है, ये तो ऋषियों का रिसर्च किया हुआ विज्ञान है, और आज का नहीं है, आज हम चंद्रमा में पहुंच गए, मोदी जी ने सूर्य में उनके मोदी जी को तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक सरकार के अथक प्रयास से हम सूर्य चंद्रमा तक आज पहुंच गए। लेकिन मैंने आपको सुबह जब नवग्रह पूजन करवा रहा था तो मैं आपको एक स्टेप बता रहा था, सोचो ना कि हमारे ऋषि यहाँ कब और कितने सूक्ष्म विधि से पहुंचे, तो बहुत अद्भुत विज्ञान है, हम भी इतने सालों में इसके विद्यार्थी ही बने हैं, हम भी नहीं समझ पा रहे कि कितनी चीजें क्या चीजें, और अनवरत चिंतन और मंथन हमारा चल रहा है, प्रयास जारी है, कुछ ना कुछ नया ढूंढना चाहते हैं, कुछ ना नया करना चाहते हैं, तो इतना सूक्ष्म विज्ञान ही है। अब आप इसका पूजन करेंगे आप समझेंगे, कुल मिला के मैंने आपको ये बताया कि किसी भी प्रकार का जो घर बनने में दोष रहा है उस दोष की निवृत्ति के लिए दुनिया का एकमात्र उपाय यही है, वरना आप कितने हम भी जाते हैं मूवियां वास्तु का देखने के लिए, वास्तु विजिट करते हैं, हमारी भी फीस होती है, हम भी हैं और अपना 2-3 घंटे वहां पे देखा, विजिट किया, सब उनको बताया, नक्शा बनाया
और खाए पिए वापसी, लेकिन मेरा मन उससे संतुष्ट नहीं होता। और फिर मैं उनको यही बात बता के आता हूँ कि आज तो मैंने विजिट किया है, लेकिन इसका जो वास्तविक यहाँ पर आने का लाभ तब है कि मेरे साथ एक दो ब्राह्मण और आते और हम इसका प्रॉपर संधि भी करते। इसलिए आप भाग्यशाली हैं, आपको लक्ष्मी मिली है, बहन जी का इतना प्रयास रहा पूरा, और उन्हीं का ज्यादा इस पर फोकस रहा शुरू से। वो ढाई तीन साल से लगातार हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ी हैं और इतना प्रयास उन्होंने किया, लगातार इसके लिए व्यवस्थाएं बनती रही है ना, और उन्हीं के अथक प्रयास से सब हासिल हो रहा है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के दोष निवृत्ति के लिए एकमात्र दुनिया का उपाय है, बाकी कोई लटकाने या चिपकाने से कोई वास्तु दोष खत्म नहीं होगा, तोड़ने से किसी प्रकार का वास्तु दोष खत्म नहीं होगा। कई बार लोग डरते हैं कि हमारा साउथ फेस का, अभी हम ग्रेटर नोएडा जा रहे हैं, साइड टू साउथ फेस है, अभी हम पुणे में करके आए थे उनका साउथ फेस का था, बेंगलोर में हमने किया, उन्होंने स्पेशल इसी चीज के लिए खर्चा किया। अब उनका लगभग हमारे वहाँ आने जाने का जो किराया ही था, वहाँ दो ही आदमी हम गए थे, तो मेरे हिसाब से फ्लाइट का 25-27 हज़ार रुपये कुछ एक आदमी का पड़ा हमारा आने जाने का, है ना। तो उनको वो भी लगभग उन्होंने दिया 55,000 रुपये महीने में आने जाने का दिया, प्लस जो दक्षिणा थी वो था, है ना। तो कितना खर्चा होता है आप समझ रहे हैं, खाली उसी चीज के लिए। लेकिन वो तो उनका बहम था, असली बात हमने उनको वहां जाके बताया कि आपने अच्छा किया, आपने ये सब, और उनके हस्बैंड भी नहीं अच्छी बात की, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना बच्चा, उनका विदेश रहता है, यूएसए में रहता है, तो उन्होंने कुल मिला करके वो पाश्चात्य में होते हुए भी उस संस्कृति में जी रहे, लेकिन फिर भी उसको अपनी विधाओं का ज्ञान था और उसने प्रॉपर पूरे अच्छे तरीके से ये करना है। ये बहुत बड़ी चीजें हैं कुल मिला करके, ये जीवन में एक ऐसी चीज है, एक ऐसी विधा है हमारे पास, एक ऐसी शक्ति है, हमारे ऋषियों का ज्ञान है कि हमें इसको समझना होगा। वास्तु दोष के लिए एकमात्र निवारण ये विधि है, हम इसको करेंगे। बोलो वास्तु पुरुष भगवान की जय।